हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आज आपसे जुड़ रहा हूं और आज का जो अपडेट लेके आया हूं मैं आपके लिए वो लाया हूं जर्मनी की स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट ने लॉकडाउन से पहले अपनी एडमिशन सिक्योर कर लिए थे सितंबर अक्टूबर 2021 इनटेक के लिए, ट्यूशन फी पे कर दी थी, लेकिन जर्मनी ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया को हमने रेड जोन में डाल दिया है। इसका मतलब कि इंडिया से फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, एम्बेसी वीज़ा प्रोसेसिंग नहीं कर रही है। ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि जिन्होंने ट्यूशन फी पे कर दी थी अब उनका नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन क्या हो। जिन बच्चों को एडमिशन लेटर आ गया था ट्यूशन फी पे नहीं की थी वो ये कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें इस इनटेक के लिए फीस पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करते हैं। जिन स्टूडेंट ने अपनी ट्यूशन फी पे कर दी है और वो अगर जर्मनी को अपना प्राइमरी डेस्टिनेशन लेके चल रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी फोकस कीजिए अपनी इनटेक पे। अक्टूबर इनटेक के लिए चांसेस हैं कि जर्मनी अपने बॉर्डर्स खोल देगा। मैं फिर ये बात बोलूंगा कि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई फॉर्मल न्यूज या इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। जो हमें हालात दिख रहे हैं वो लग ये रहा है कि आने वाले अक्टूबर तक हमारी जो एम्बेसीज हैं यूरोप की, काफ़ी एम्बेसीज जो हैं वो अपने बॉर्डर्स खोल देंगी, स्टूडेंट्स को वीज़ा अप्लाई करने के लिए अलाउ करेंगी, और जर्मनी जो है उसको भी हम इस कैटेगरी में लेके चल रहे हैं। सो अगर आप सिर्फ जर्मनी जाना चाहते हो और अगर आप को प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपकी ये इनटेक मिस हो जाती है तो आपकी जो अगली इनटेक है वो है आपकी फरवरी मार्च इनटेक। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी में आपको ये चेक करना है कि आपके प्रोग्राम का फरवरी मार्च इनटेक पॉसिबल है, और अगर है तो आप उसके लिए डेफरमेंट करा सकते हो। और अगर उस कोर्स के अंदर वो कोर्स दोबारा से फरवरी और मार्च में स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको अपनी ही किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरा कोई और प्रोग्राम चेंज करना होगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी जाना चाहते हैं, जर्मनी में ट्यूशन फी पे कर चुके हैं। लेकिन अगर आप ट्यूशन फी पे कर चुके हो और आपको लगता है कि जर्मनी के अलावा और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ, उस केस में आप बेसिकली अपनी ट्यूशन फी का रिफंड ले सकते हो, और ट्यूशन फी रिफंड लेने के बाद आप दूसरी यूरोपियन कंट्री के अंदर अपना एडमिशन एंड वीज़ा प्रोसेसिंग अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि फ्रांस, लाटविया, लिथुएनिया एंड फ्यू मोर कंट्रीज। अब आते हैं उन बच्चों पे, जिन बच्चों के एडमिशन तो आ गए थे लेकिन उन्होंने ट्यूशन फी पे नहीं करी। अगर आपने ट्यूशन फी पे नहीं कर रखी है तो आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हो कि आपको जर्मनी को विड्रॉ करके किसी और कंट्री में, जैसे मैंने बताया भी आपको लिथुनिया, लाटविया, फ्रांस में अवेलेबिलिटी कोर्सेज की है, आप उन कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो। उनके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं आपकी इनटेक खुलने के, इसीलिए आप ये भी ऑप्शन ले सकते हो। और अगर आपका फोकस सिर्फ जर्मनी है और आप जर्मनी ही जाना चाहते हो तो आप बेसिकली अपनी दूसरी इनटेक के लिए डेफरमेंट्स भी करवा सकते हो। इस टाइम पे ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कब एम्बेसी खुलेगी, एग्जैक्ट डेट क्या होगी। प्रेडिक्शन की जा रही है कि जुलाई और अगस्त में एम्बेसीज खुलेंगी। जो बच्चे बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं जर्मनी में, मेरा आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। जर्मनी की बैचलर डिग्री की अपॉइंटमेंट, जो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो ये हमें कॉम्प्लिकेशन प्री कोविड भी चल रही थी हमारे साथ, लेकिन कोविड के दौरान और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई। लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखी डेट्स के अंदर, काफ़ी स्टूडेंट्स थे हमारे जो कि एडमिशन लेके बैठे हुए थे लेकिन उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स में जा रहे हो, बैचलर प्रोग्राम में जा रहे हो, तो आप प्लीज़ अपना कंट्री को चेंज करने का प्लान भी जो है उसे स्ट्रांगली रिकंसिडर करें। लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप 90+ स्टूडेंट हो, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर है, उन स्टूडेंट्स को डेट मिलने में दिक्कत नहीं हो रही। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिनके 90%+ मार्क्स हैं उन बच्चों को पहले भी बैचलर डिग्री की डेट्स मिलने में दिक्कत नहीं हो रही थी और अब भी नहीं होगी, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो तो दिस इज अ टाइम टू अप्लाई एंड गेट योर एडमिशन सॉर्टेड फॉर द कमिंग इनटेक। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए डेट्स को लेके इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, बिकॉज जर्मनी में मास्टर स्टूडेंट्स की जो डिमांड है
वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है हमेशा। इसलिए अगर आप मास्टर्स करने जर्मनी जाना चाहते हो तो यू शुड ऑलवेज अप्लाई फॉर जर्मनी, कीपिंग इन माइंड कि आपके पास अक्टूबर 2021 इनटेक भी आ सकता है और आपको मार्च 2021 इनटेक में भी डेफरमेंट मिल सकता है। सो कीप वॉचिंग, वी विल बी कमिंग विद लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्टेंट ऑन डेली बेसिस, एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इन यूरोप एंड वॉन्ट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द एडमिशन एंड वीजा रिक्वायरमेंट, एम्बेसी रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्लीज join our YouTube channel and please don't forget to click the bell button. Thank you. See you tomorrow with a new update.